आइए राणा साहब, मारे करीब आइए, इतने करीब कि जिंदगी पीछे छूट जाए और मौत मौत गले लग जाए। क्या सच, क्या माया, क्या रूप, क्या छाया, रेत की परत कितनी भी हटाओ, बदले में रेत ही मिले है बुढ़िया। किसे सच माने की, वो जो आंखों ने दिख रहा या वो जो दिल ने महसूस हो रहा। तो वहां की सजा
उन्हें ना दे सके थे। खोलो पट। रीडोकरी, थारी आंखों की पुतलियों में उम्र की चादर पसरने लगी है। हाँ, ये घाघरा पलटन मारा बुरा जादू, ये मतवाली चुड़ैल, इन सब को थारे सिवा किसी ने ना देखा है। पर तूने भी तुम्हारा असली चेहरा ना देखा है रे टोकरी। एक तू ही है जो मौत से नजर मिला के जीती है, फिर भी मारे से धोखा खा गई तू। अरे आज तक तुम्हारे सच और फरेब में अंतर ना बोल पाई, और तने लगे है तुम्हारे राणा सा को मारे से अलग रख पाएगी ना। आज वामन ने देख को नहीं सके, पर घनी जल्दी वाकी याद में मारा ख्याल होगा। उनके हाथ में मारी कलाई और उनकी जबान पे मारा नाम, और फिर देखना दुनिया कैसे मारे वजूद से रूबरू होगी रे टोकरी। थारी एक एक छुरियों में सदियों का अनुभव फंसे है ना रे बुढ़ी टोकरी। पर मिट्टी में मिलने वाला थारा ये शरीर एक 500 बरस की प्यासी प्रेमिका को वाके प्रेम से दूर न रख सके है। कार्तिक पूर्णिमा से पहले की एक रात को विराम में डूबी प्रेमिका अगर प्रेमी को आवाज देवे है तो उसकी आत्मा भी आ जावे है। आज कुछ ऐसा ही होगो, मारा प्रेम धड़कता ज्वाला मुखी से, ये या तो राणा सा के प्रेम से ठंडा होवेगो या तो सब कुछ भस्म कर देवेगो। राणा साने भी वो अगर मारे ना हुए तो मैं उन्हें किसी का ना होने दूंगी। राणा सा मारे, राणा सा मारे, राणा सा मारे, राणा सा मारे हैं। राम ठीक तो है ना डॉक्टर? देखिए इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें खरोंच तक नहीं आई, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसे केसेस को मेडिकली हम कोमा कहते हैं, पर ये वो भी नहीं है। एक्चुअली राम बेहोश हैं, जैसे कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं। हाँ तो उन्हें नींद से उठाया भी तो जा सकता है ना डॉक्टर? यस वी ट्राइड अ लॉट बट वो नहीं उठ रहे हैं, और आई एम सॉरी मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो कब उठेंगे, उठेंगे भी या नहीं। ऐसे कैसे नहीं उठेंगे? ये क्या नया तरीका ढूंढ लिया तुमने मुझे तंग करने का? सही कहती थी दादी माँ, मैंने ही बिगाड़ के रखा है तुम्हें।
गीला टॉवल बेड पे फेंक, मैं फेंको। शूज सॉक्स जहां डालने हैं डालो, मुझे रसगुल्ला बुलाना बुलाओ, डिवोर्स देना है दे दो राम। मिस कहना कानून अब तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलेगी राम। दादी माँ? नहीं सिया, राम का हाथ कभी मत छोड़ना। I'm so sorry दादी माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना ही राम मेरे लिए आते और ना ही। नहीं सिया बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम अगर आज जिंदा है तो आपकी वजह से है, आप उसकी ढाल हैं सिया। ढाल होती तो राम कभी मुझे छोड़ने की बात नहीं करते दादी माँ। हम नहीं जानते सिया आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि राम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर आप नहीं तो हमारे राम भी नहीं। राणा सा सिर्फ मारे हैं, मारे और किसी के नहीं। और जो मारा है उसे मारे पास आने से कोई ना रोक सकेगा। आ जाओ राणा सा। आ जाओ रे। कौन हो तुम? अजीब किस्सा है कि अजनबी हाल पूछते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। दिल की अधूरी चाहत हूँ, आंखों का लंबा इंतजार हूँ, जुदाई वाला दर्द हूँ। मतलब आप याद कीजिए और मैं आ जाऊंगी आपके पास। मैं कुछ समझा नहीं। एक बार मारा नाम तो लो, सब समझ आ जाएगा। नाम लो ना मारा, आवाज तो मने। राम, राम तुम्हें वापस आना ही होगा। वापस आओ राम, अपनी सिया के पास वापस आओ। आवाज तो मने। नाम लो मारा। सुना तुम सबने? अरे सुना माया मिथिया मदिरा मोहा, सुना तुम सबने? मारे राणा सा ने मारा नाम लिया, मने पुकारा, मारी छाया को शरीर दे दी। 500 साल पुराने इंतजार का फल मिल गया मन ने। हमारे बीच की एक दीवार गिरा दी उन्होंने, और जब मैं उनके सामने आऊंगी तब तुम मने देख सकेंगे। आपको रोक तो लिया मैंने राणा सा, बस अब किसी तरह आपके दिल में अपने लिए जगह बनानी है, वो वजह बनानी है जिससे आप मने महसूस कर सको, मने छू सको। और वहां मैं करके रहूंगी, फिर चाहे मने वाह के लिए पूरे बहरामगढ़ को शमशान ही क्यों ना बनाना पड़े।
मैंने अभी किसी का नाम लिया क्या? हाँ राणा साहब, मारा नाम लिया आपने। थारे दिल की आवाज मारे दिल तक पहुंच गई। मैं जीत गई राणा साहब, मैं जीत गई, मैं जीत गई। नहीं, आपने किसी का नाम नहीं लिया राम, और आपको किसी का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। आपके मुंह पे तो बस सिया का नाम ही अच्छा लगता है। आज इसी का विश्वास है जो आपको वापस लेके आया। ये बाप रे लोग, इनको लागे है कि राणा सा इनके कारण वापस आ गए। ये ना जाने ए मारे मृग मरीची का कमाल हुए है, जो मारे पूरे जादू और मारी 500 साल के इंतजार की देर है। मारे राणा सा यहाँ आई बीमारी मर्जी से थे और जावेंगे भी मारी मर्जी से। अब ठीक है ना? दादी मां, अब यहाँ आपकी फिक्र हमें यहाँ ले आई रहा, पर अब बहुत हो गया, बहुत हो गई आप दोनों की जिद। हम सब अभी के अभी लंदन जा रहे हैं। I'll just arrange for a charter. या नहीं दादी मां, मैं कहीं नहीं जाने वाला। I'll stay here. ये क्या कह रहे हो राम? Why do you want to stay here, Ram? कुछ अधूरे काम है जो पूरे करना। यहाँ कोई काम नहीं है आपका। हम सब अभी के अभी लंदन जा रहे हैं, and that is final. Do you hear me? I'm sorry, दादी, मैंने आज तक आपकी बात नहीं डाली, लेकिन आज नहीं। मगर राम, कुंवर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वर्षा को निर्णय सही से। हम सब लंदन जा रहे हैं एंड दैट इज फाइनल। अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती कान पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन यहां आपको हरगिज नहीं छोड़ के जाएंगे। Baby boy. Oh God. Oh my baby. You okay na baba? ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? No mom. दिखा? वो? पता है बाबा? Designer jewelry की swag. जब से मुझे पता चला ना तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में, my God, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरे डायमंड नेकलेस से किसी ने दो नग निकाल लिए हो। तभी हॉस्पिटल में आके राम का हाल पूछने की बजाय आप महल में सज धज के बैठी। हॉस्पिटल में आप सब थे ना रानी माँ, और फिर किसी को घर पे भी तो होना चाहिए था ना मेरे राम के वेलकम के लिए। थैंक्स मॉम। ओह नो नो, प्लीज प्लीज राम, तुम्हें पता है ना कि मैं मॉडर्न मम्मी हूँ। मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूं, ओके? आई एम स्टिल वेरी यंग। जिस डिजाइनर बैग पे एक भी दाग लग जाए तो उसकी पूरी लुक खराब हो जाती है, वैसे ही तुम राम की जिंदगी का वो दाग की वजह से राम आज इस हालत में है। तुम यूं ही मुझसे, इसे तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अब राम, सिया ने कुछ नहीं किया है। क्यों? तुम इसे फॉलो करते हुए इंडिया आए थे ना? सी
what happened? God, Ram, मुझे लगा था कि तुम जिंदा बचोगे ही नहीं। दो पैरों पर आए थे, चार कंधों पर जाते वापस। बस मनिका। सिया। राम, तुम कहाँ जा रहे हो? जाने दो उसे। भूलो मत मनिका। अगर यशवर्धन ने तुमसे शादी नहीं की होती तो तुम आज भी एक मामूली सेक्रेटरी होती। सर राम के बारे में बात करने से पहले अपने शब्दों को परख लिया करो। फ्रैंकली स्पीकिंग रानी ने, एक्सीडेंट इतना बड़ा था ना कि मुझे सीरियसली लगा था कि राम जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा। स्टॉप इट मॉम। राम, सही सलामत देखकर समझ में आ गया भगवान हमारी दुआएं कबूल करने लगा है। थैंक्स विवियन, बट डोंट वरी, एक्सीडेंट छोटा सा ही था। मैं कहीं नहीं जाने वाला, जब पूरे काम जब पूरे कर। तुम राम की जिंदगी का भूत आ जिसकी वजह से राम आज इस हालत में है। राम, सिया बहुत अपसेट हो गई हैं। आप जरा उनसे मिल लीजिए। प्रणाम दादी माँ। छोटे पोते के लिए दुनिया भर का प्यार और बड़े पोते को प्यार के दो बोल भी नसीब नहीं। हमारे बेटे ने जिस सेक्रेटरी के साथ दूसरी शादी की थी, आप उनके बेटे हैं। हमें दादी माँ कहने का हक सिर्फ राम का है। आपके लिए हम सिर्फ रानी सरोज देवी, याद रखिएगा, क्योंकि बात दोहराने की आदत हमें नहीं है। What the? इस बुढ़िया की प्रॉब्लम क्या है? हमें देखते ही इसका मुंह उधड़ी हुई सिलाई जैसा हो जाता है। Bloody hell! अच्छा होता कि वो राम मर जाता। हमें राम की मौत नहीं, जिंदगी चाहिए। फाइनली बहरामगढ़, अपने मकसद को पूरा करने का वक्त आ गया है। लॉन्ग लिव राम।
इस दर्द को सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ सिया, पर ये कुछ पलों का दर्द शायद मेरे साथ मिलने वाली तकलीफ से बेहतर है। मेरा साया भी तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। अजीब सी आदत और गजब की फितरत है मारी कि इश्क करूं या नफरत बड़ी शिद्दत से करती हूँ, और जितना ज्यादा इश्क मने राना सा से उतनी ही घनी नफरत मारी सौतन से। पर खुशी इस बात की है कि यो काटा अपने आप मारे रास्ते से हट रहा है, यो तितली मारे फूल से खुद ब खुद उड़ रही है। तुम्हारे सामने अपने राना साने हारेगी और मैं अपने राना साने जीतूंगी। वा चुड़ैल नो जीत हमारी लापरवाहियों में है, इसलिए पूरे महल को मंत्रों से बांधनो घनो जरूरी है। महल को अच्छे से बांध लीजिए दाइमा, पर हम आपके फैसले से नहीं बंधे। दाइमा, आपके फैसले के खिलाफ जाने की ना तो हमारी इच्छा थी और ना हिम्मत, लेकिन जो फैसला आपने लिया है वो हमें मंजूर नहीं है। हम राम को लेकर लंदन जा रहे हैं एंड दैट इज फाइनल। जाना होता तो वहां अठे कभी ना आते। इंसान फैसलों ले सके है, तकदीर को नहीं बदल सके। वर्षा अठे ना कभी अपनी मर्जी से आए थे और ना कभी जावेंगे। इस रण की रेत में वाह के शरीर का एक कतरा भी ना ले जा सकेंगे आप। मारा प्रेम धड़कता ज्वालामुखी से, ये या तो राना सा के प्रेम से ठंडा होवेगो या तो सब कुछ भस्म कर देवेगो राना सा ने भी। और अगर कोशिश की तो वाह चुड़ैल वर्षा को रेत में दफना देवेगी। ऐसे ही नहीं तो बड़ो निर्णय लियो मैंने। राजघराने के चिरागों का के असर हुओ याद है ना तन्ने रानी सा, इसलिए जिद छोड़ दो। आज तक कुंवर सा के भाग का नियंत्रण आपके हाथ में था, लेकिन अब डोर वाचुड़ेल के हाथ में है, इसलिए अपना कर्म करो। घड़ी नजर रखो कुवरसा पर और सही वक्त आने पर खींच लो डोर वाचुड़ैल के हाथ से। मतलब दुश्मन नंबर दो ढूंढना पड़ेगा और समझाना हो कि राम की मौत में नहीं उसकी जिंदगी में फायदा है। लॉन्ग लिव राम। तुम्हारी जिंदगी में मेरी अगर कोई जगह नहीं है तो तुमसे रिश्ता ही तोड़ लेती हूँ राम। मुबारक हो मोहिनी, थारी सौतन और राना सा का रिश्ता टूट गए हो, अब थारी राना सा आजाद है।